धनबाद के टुंडी रोड स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के सदस्यों और रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्यों के द्वारा क्रिसमस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद थाना के इंस्पेक्टर नवीन राय तथा भाजपा के युवा नेता अमरेश सिंह शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में धनबाद के समाज सेवी मुख्तार अहमद के पिताजी हाजी इकबाल अहमद शरीक हुए। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को बुक्के एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्तार भैया से आग्रह है कि नवीन सर को बुक्के देके उनका स्वागत करें। सामने देखिएगा, वहीं कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथियों एवं आश्रम के सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को केक काटकर मनाया। उसके बाद क्रिसमस डे केक काटकर बड़े धूमधाम के साथ आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ मनाया गया। वहीं तुलसी दिवस भी बड़े धूमधाम के साथ आए हुए अतिथियों के साथ पूजा पाठ करके मनाया गया। मिश्रा जी थोड़ा सा फोटो बन जा रहा है, अंदर में तो एकदम नहीं आ रहा था। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम वैसे वृद्ध माता पिता के साथ मनाया गया जिनके बच्चे उन्हें छोड़ दिए हैं, उनके साथ मिलकर खुशियां मनाई गई। वहीं आश्रम में रह रहे वृद्ध लोग काफ़ी खुश हुए एवं क्रिसमस के मौके पर आश्रम के बुजुर्ग एक से बढ़कर एक भजन गाए। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, कुछ न लाया हूं। तुझे मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, कुछ न लाया हूं। चढ़ाऊं कुछ न वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आश्रम के अध्यक्ष सह संस्थापक मोहम्मद नौसाद गद्दी, कार्यकारिणी अध्यक्ष बी सुधीर, सह सचिव सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी विजय सिन्हा, लखन परमाणिक सहित रोटी बैंक यूथ क्लब के संचालक रवि शेखर,
साहित्य प्रवीण प्रीति सिंह सहित अनेकों सदस्यगण मौजूद थे। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के युवा नेता अमरेश सिंह ने कहा कि समाज में ऐसे आश्रम नहीं खुलने चाहिए, जरूरत है समाज में ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को जागरूक करने की, ताकि कोई भी औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह ना छोड़े। और लोगों को स्थिति देखकर बड़ा दर्द हुआ कि माँ बाप जीवन में दोबारा किसी को नहीं मिलने जा रहे, फिर भी वो लोग कैसे त्याग करते हैं ये समझ से परे। आदमी माँ बाप को खांसी आ जाता है तो दिल में दर्द उठता है, और यहाँ लोग घर से निकालते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और हम लोग सबको इससे सचेतना चाहिए। और इस आश्रम का जो कार्यशैली रहा, मैं सुनता था लेकिन आज तक आने का कभी मौका नहीं मिला। कई बार सूचना मिली बस किसी न किसी कारण से रह गया, लेकिन आज आकर जो उद्देश्य इन लोगों का है, इस आश्रम का है, देख के अभिभूत हूँ। और अब तो मैं इस परिवार का सदस्य बनकर जो मुझसे होगा और जो समाज से इसमें जो मदद मिल पाएगी, हम लोग नहीं चाहेंगे कि आश्रम चले, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है लोगों को वृद्धा आश्रम बढ़ाना करना, हम लोग का उद्देश्य है इसको ख़त्म करना। और हम लोग कोशिश करेंगे, अगर जो ऐसे माँ बाप जो इनके हैं जिन्होंने छोड़ा है, एक प्रयास सब हम लोग जरूर करेंगे, आप उसको अपने वापस अपने आवास ले जाइए, एक प्रयास जरूर करेंगे। और रोटी बैंक के द्वारा ही मुझे आने का मौका लगा, तो दोनों ही संस्थाएँ अपने अपने उद्देश्य में जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, जो कि आज के डेट में संस्थाएँ बहुत हैं, लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एक ही संस्था को मदद करने के लिए 500 संस्थाएँ आ गई हैं, लेकिन इस टाइप चीज़ों को डेवलप करने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोग का जो समाज के जितने जुड़े लोग हैं, जिस चीज़ से जैसे मदद कर सकते हैं वैसी मदद हो सकती है। वहीं धनबाद थाना के इंस्पेक्टर नवीन राय ने कहा कि जरूरत है समाज में जागरूकता लाने की, ताकि लोग अपने बूढ़े माता पिता को इस तरह ना छोड़े। उन्होंने कहा, हमने भगवान को तो नहीं देखा है, पर ईश्वर के रूप में माता पिता को देखा है, और उन्हीं की दुआओं से आज समाज में मान सम्मान है, इसलिए सच्ची पूजा अपने माता पिता की सेवा ही है। बहुत सबसे पहले तो हमने आभार प्रकट किया जिन्होंने हमको यहाँ आने का मौका अवसर प्रदान किया, और मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हुआ, जैसे अमरेश जी ने भी कहा कि बहुत विलंब से जानकारी हुई, मुझे जानकारी नहीं थी धनबाद में, चूँकि शहर में रहता तो मुझे जानकारी हो जाती, मेरे थाना क्षेत्र में भी होता तो जानकारी हो जाती। ये एक अजब तरह की संतुष्टि मिलती है, ऐसे जगह आकर अगर ऐसे लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो बड़ी संतुष्टि होती है। और मैंने अभी कहा था इन लोगों के कि आप लोग भाग्यशाली हैं जो ये काम करने का आपको ईश्वर ने जज्बा दिया और मौका भी मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि समाज के जितने भी लोग हैं जो सबल हैं वो इसमें ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि ये कोई अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं, ये जन की सेवा कर रहे हैं, वैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनको जिन्होंने घर त्याग दिया है या जिनको जिसके परिवार ने त्याग दिया है। और ऐसे लोगों को एक परिवार की आवश्यकता है, जो परिवार हम और आप मिलकर इनको दे सकते हैं। तो हम आपके माध्यम से ये अपील करेंगे, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, कि सब लोग यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्था को ज़रूर सहयोग करें, ताकि ये अपने उद्देश्य में, अपने सेवा भाव में निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ सके। ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे सर, जो अपने माँ बाप को बोझ समझ के घर से निकाल दिए हैं? बच्चे को यही संतोष देंगे कि आपका भी ऐसा दिन आ सकता है, आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है कि जो जिन्होंने मुझे ये स्वरूप दिया धरती पर, माता पिता ने मिलकर, कितनी छोटी बड़ी कितनी गलतियां हमारी उन्होंने बर्दाश्त की। हम उनके शरीर पर मल मूत्र त्याग देते थे, उल्टी कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, वो माँ बाप 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र तक उस तरह से भी सेवा किया, फिर आपको इस लायक बनाया कि आप 2 रोटी कमा सकते हैं, खा सकते हैं, और उसके बाद आप उसी को त्याग देते हैं, तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। सब अपना नेत्र खोलें, समझें इस यथार्थ को कि ऐसी अवस्था, वृद्धावस्था हमारी भी आ सकती है, उनकी भी आ सकती है, और भगवान न करे, खुदा न करे कि ऐसा ही उनके साथ हो। इसलिए अभी भी सचेत हो जाएं,
अपने माता पिता का सम्मान करें, इज्जत करें, उससे बड़ा हमने न ईश्वर को देखा, न अल्लाह को देखा, किसी को नहीं देखा है। अगर हमारे लिए ईश्वर स्वरूप कोई है तो माता पिता प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर स्वरूप। वहीं समाज से भी मुख्तार खान ने भी कहा कि समाज में वृद्धा आश्रम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत तकलीफ से पाल पोसकर बड़ा करते हैं और उन्हें समाज में रहने लायक बनाते हैं और समाज में तरक्की कराते हैं। इसलिए वैसे बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, ना कि उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दें। मैं वैसे बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने माता पिता के साथ रहें और उनकी सेवा करें, क्योंकि अगर आज आप अपने माता पिता को आश्रम में रखेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे। इसलिए मैं हर एक वैसे बच्चों को संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता को आश्रम में आकर उन्हें अपने घर ले जाएं और अपने माता पिता की अच्छी तरीके से सेवा करें। अब सदस्य भी हो गया मैं तो, जैसे अंग्रेज जी आए थे, नवीन साहब आए, तो वैसे ही मैं भी आया था और आपके ही कहने पे आया था। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मैं आप यहाँ पे आप ले आए, आपकी मोहब्बत ही मैं आया और आते ही जितनी बार मैं आया भावुक हो गया। लानत है ऐसे बाल बच्चों पे जो अपने माँ बाप को घर से निकाल लेते हैं, धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। अब तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो अपने माँ बाप की इज्जत न करे। लानत है ऐसे औलादों पे कि बच्चे वही अच्छे होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करें। और हमारी लोगों से यही दुआ है कि ऐसे आश्रम बंद हो जाएं और हर बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इससे समाज भी अच्छा रहेगा, लोग भी नहीं एक दूसरे को दूसेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे बच्चे वही हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। धन्यवाद जी। वहीं आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौसाद गद्दी ने भी हमारे संवाददाता से बात करते हुए कार्यक्रम के बारे में बताया। वहीं आए हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को धन्यवाद दिया। हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस डे का बुजुर्गों के साथ केक काटा गया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल की तरह, इस साल भी किए। और मैं धन्यवाद देता हूँ रोटी बैंक वाले लोग को जो आज लालमनी वृद्धा सेवा आश्रम में बुजुर्गों के बीच सबको रोते हुए चेहरे को हंसाया गया और बहुत खुश है हमारे वृद्धा। और मैं उन तमाम मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर साहब नवीन जी, अमरेश जी, हाजी इकबाल जी, मुख्तार खान, मैं उन सब अतिथियों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ अपना कीमती वक्त दिए। और मैं उन मीडिया बंधुओं और तमाम नौजवानों को जो हमारे प्रोग्राम में शामिल थे, मैं तह दिल से धन्यवाद देता हूँ। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आश्रम के कार्यकारिणी अध्यक्ष बी सुधीर ने कहा कि आज हम लोग लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन और क्रिसमस डे केक काटकर बड़े धूमधाम से मनाए हैं और तुलसी दिवस पूजा पाठ करके मनाए हैं। आज हर एक साल के भांति इस साल भी अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया और मेरी क्रिसमस मनाया गया और साथ में तुलसी दिवस मनाया गया। किस तरह से मस्ती किए आप लोग? माँ बाप के साथ फुल एंजॉय, फुल डांस और चुटकुले, भजन कीर्तन सब साथ में किया। कैसा लगा यहाँ रह रहे बुजुर्गों को जिस तरह कार्यक्रम? बहुत मजा आया उनको और वो आशा किए हैं कि आगे से भी इससे भी बढ़ चढ़ के हो। क्या संदेश देंगे वैसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं? वैसे माँ बाप को संदेश यही देंगे कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, माँ बाप ही भगवान है और माँ बाप का सेवा करो, सब कुछ यही फल मिलेगा। वहीं रोटी बैंक यूथ क्लब के संचालक रवि शेखर ने भी हमारे संवाददाता को कार्यक्रम के संबंध में बताया। आज दिनांक 25 तारीख दिन बुधवार को हम लोगों ने लालमुनि वृद्धाश्रम में आकर क्रिसमस का त्यौहार, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और तुलसी दिवस के अवसर पे यहाँ पे प्रोग्राम किया।
जिसमें कि यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। रोटी बैंक यूथ क्लब के सारे सदस्य आए उन, और यहाँ की सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि लाल मुनि वृद्धा आश्रम जितने लोग हैं इनका सेवा इतनी अच्छी तरह से यहाँ होता है, और दूसरे लोग यहाँ कोशिश करें कि अपने जन्मदिन पे कोई छोटा छोटा फेस्टिवल हो यहाँ आकर यहाँ बनाए, उनको पता चलेगा कितना यहाँ आनंद आता है। हर छोटे फेस्टिवल में आप लोग यहाँ आइए और इसको एंजॉय कीजिए।